वैक्सीनेशन को लेकर जहां विशेष अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है तो वहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है। शनिवार को कसरावद में 2 टीकाकरण केंद्र बनाए गए जिसमें नगर के व्यापारी सहित कर्मचारी और 45 प्लस के लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची, जिसके चलते लंबी कतार लग गई। तो वहीं व्यापारी वर्ग द्वारा सूचना बोर्ड पर चस्पा सूची पर अपना नाम देखने के लिए सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई गई। यदि वैक्सीनेशन के दौरान इस प्रकार की लापरवाही सामने आएगी तो हम कोरोना को आखिर कैसे हरा पाएंगे? जवाबदारों के द्वारा वैक्सीनेशन के दौरान सख्ती बरतनी चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंस के साथ लोगों को टीके लगाए जा सके। कसरावद से अकील खान की रिपोर्ट। आज वैक्सीनेशन लग रहा है, किन किन लोगों को लग रहा है? आज नगर कसरावद में जितने भी प्राथमिकता वाले दुकानदार हैं, क्योंकि आम लोगों के संपर्क में आते हैं जिससे कोरोना को फैलने का भय बना रहता है, उन लोगों को क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक और जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता वाले दुकानदार जैसे किराना वाले, चक्की चलाने वाले हैं, फल फ्रूट बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, आज इन लोगों का प्राथमिकता क्रम में टीकाकरण किया जा रहा है। लगभग आज टारगेट तो होगा, कितने लोगों को लगेगा? आज 400 लोगों का टारगेट, 400 लोगों को। 45 से ऊपर वालों को भी लग रहा है आज? हाँ बिल्कुल, सभी को 45 प्लस वालों को भी लग रहा है और 18 प्लस वालों को। वैक्सीनेशन उपलब्ध है, पूरी है? हाँ, 400 टीके उपलब्ध है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।